फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? कुछ वॉर्स ऐसी होती हैं जो ऐसे सुपर हीरोज जीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि यार हम वॉर जीत गए, या ऐसी कोई वॉर वाली सिचुएशन भी थी ये नहीं थी। ऐसी कुछ मूवी होने वाली है ID 71, जिसके अंदर एक्शन नहीं होगा लेकिन दिमाग का एक्शन पूरा पूरा होगा। जो कर रहे होंगे विद्युत जामवाल, बहुत से लोगों के फेवरेट बन चुके हैं। एक इस तरीके की ह्यूमिलिटी है उसके अंदर जो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, और लोगों को लगता है कि जो आउटसाइडर्स को चांस मिलना चाहिए, ही कैन प्रूव हिमसेल्फ। तो काफ़ी सारी मूवीज करते हैं वो, उसके अंदर से आई थिंक सक्सेस रेशियो चाहे 25% होता है लेकिन वो लोगों को पसंद बहुत आता है। और जिस तरीके से उसकी जो तुलना कई बार टाइगर श्रॉफ से होती है, क्योंकि दोनों एक्शन भरपूर करते हैं और 6-pack, 8-pack और फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। अब इनकी मूवी जो आ रही है ID 71, जो कि नेशन के ऊपर होगी, तो जज्बा भी हाई होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो वो किस तरीके का एडवांस बुकिंग कर रही है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, अभी तक सिर्फ 5500 टिकटें बिकी हैं और इसका जो एवरेज टिकट प्राइस है वो करीबन 207 रुपए के आसपास आ रहा है, और बहुत ही मिनिस्कुल नंबर अभी दिख रहा है। 5-5.5 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग हुआ है। कल मूवी रिलीज हो रही है 12 मई को, तो बहुत से लोग जो पॉजिटिविटी दिखाते हैं कि हमें इस तरीके के हीरोज को आगे लेके जाना है, जो खुद अब काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्शन हाउस भी खोल रहे हैं, अब मूवी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोशिश ये कर रहे हैं कुछ नई नई कहानियां हमारे तक पहुंचे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका ऑन द टिकट काउंटर, वो नहीं हो रहा है। तो लोग ज्यादा कूद नहीं रहे हैं, लोग वेट करेंगे कि इसका रिव्यू अच्छा है कि नहीं अच्छा है, फिर उसके बाद शायद देखेंगे। क्योंकि अगर टिकट काउंटर पर यह हाल है एडवांस बुकिंग का और कल मूवी रिलीज होनी है, तो मोटे मोटे लेवल पर आप ये लगा सकते हैं कि ये हायर साइड पर 15-20 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग कर लेगी आज रात तक, विच मीन्स दैट ये 1 करोड़ रुपए के आसपास हायर साइड के ऊपर ओपन करेगी, 1-1.5 करोड़ रुपए, विच इज अ स्कैरी सिचुएशन। दूसरा एलिमेंट भी अगर हम देखें तो इसको कोई बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रमोट भी नहीं किया गया। जो मूवी लवर्स हैं आप और मैं, जो सारा दिन स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, उनको तो पता है सब कुछ क्या क्या आ रहा है, आपको भी पता रहता है, मुझे भी पता रहता है, लेकिन जो नॉर्मल जनता जनार्दन है, आप अगर उससे पूछेंगे ना कि ID 71 क्या है, तो आपको बहुत स्ट्रेंज आंसर मिलेंगे। उसकी प्रमोशन नहीं है, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं इस मूवी के बारे में, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों देखनी चाहिए। आज के हिसाब से जो 71 में हुआ था उसको बहुत साल हो गए, 50 साल हो गए, क्यों वो रेलेवेंट है आज। तो ये सारी बातें जो है, मेरे को लगता है थोड़ी सी पुअर प्रमोशन तो हुई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बजट और वट एवर, बट लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। दैट्स द हार्ड रियलिटी जो आपको एडवांस बुकिंग के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जो लोग पॉजिटिविटी बोलते हैं, शायद बहुत कम लोग हैं जो उसको टिकट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो बोलते हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं बस वो वेट एंड वॉच की गेम कर रहे हैं। तो थोड़ा अजीब है सिचुएशन, बट यही रियलिटी है। आपको क्या लगता है कि विद्युत जामवाल की ये मूवी के अंदर कितना पोटेंशियल है? क्या आपको लगता है कि ये ऐसी मूवी जो एक सरप्राइज हिट होगी कि नहीं होगी, कॉमेंट करके बताना। क्योंकि आप सबका व्यू पॉइंट ही बेसिकली एक इमोशन क्रिएट करता है मूवी के लिए, जिससे बॉक्स ऑफिस का काफ़ी हद तक अंदाजा होता है। बाय बाय।